घर में कर्ज बहुत बना है, कर्ज से बहुत परेशान हो आप, बहुत परेशान है आर्थिक तंगी से, एक पान का पत्ता लीजिए, तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें शहद से लिखिए श्रीम राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम, पान पांच पत्ता हो, पांचों पत्तों पर ये लिख दें, शनिवार मंगलवार गुरुवार इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन पांचों पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा और व्यापार पर ध्यान देना प्रारंभ कर दीजिएगा। सवा साल के अंतर्गत अगर ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार को करेंगे, कैसा भी कर्जा हो आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो प्रतिदिन 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक चौपाई का नित्य हवन करें। कौन सी चौपाई? और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इस चौपाई से नित्य 108 बार पाठ करिए, आपको हनुमान जी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद व आशीर्वाद मिलेगा। घर पर ओम बागेश्वराय नमः, आपके ऊपर ऊपरी बाधा है, तंत्र टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। पांच लौंग लें, लौंग जानते हो, लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, मंत्र को रिकॉर्ड कर लें, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप रोज बोल दें, उस काले रंग के कपड़े को रोगी को हाथ में बांध दें, कैसे भी टोटका हो, दुकान पे बांध दें कैसा भी टोटका हो, घर के दरवाजे पर बांध दें कैसा भी टोटका हो, और बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लें, आपके घर पर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चलेगी। शत्रुओं से जितने भी लोग परेशान हैं, शत्रुओं के लिए उपाय है, आप अगर दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे लगे टांग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए ना, आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए, और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से एक एक सुपारी का उसारा, उसारा मतलब उतारा, उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप 2 महीने में, 1 महीने में एक बार करिएगा, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। बोलते रहेंगे पर कुछ बिगाड़ेंगे नहीं।